चाहिए कौन तो पक्के करो पक्के होने चाहिए कितने जाना तुसी अस्सी शहर ते बस मिलदी भी सरकारी ना जी ना मुश्किल आंदी है सवारियां फिर हां जी हां जी की कहोगे हां जी जेडी स्ट्राइक कीती है की कहोगे ओदे बारे की कहोगे जे लागू कीते ता लाओ चलाओ बसा लेडीज वास्ते लेडीज बदी साथ ना ना लागू ना करो हमनो ना पक्के करो ठीक है ना जे तुसी कीते आधार कार्ड ते लाओ बसा मुश्किल आंदी फिर मुश्किल आंदी क्योंकि लेडीज सवारी नु सरकारी बसा ते फ्री सफर है फिर प्राइवेट जाते पे हो पैसे खर्चने पे सरकारी बसा फ्री जाते हैं की कहोगे तीन दिन की हड़ताल है दिक्कत आएगी हाँ जी हाँ जी दिक्कत आ ही रही है जी खड़े हैं कदों से खड़े हैं घंटा हो गया घंटा हो गया तो की हड़ताल होनी चाहिए कि नहीं नहीं जी नहीं होनी नहीं चाहिए जी इन्हों ने चाहिए जो कच्चे मुलाजम जल्दी उन्होंने पक्के कर दें ताकि कोई मुश्किल ना आए सवारियों कोई मुश्किल ना आए तो तुम हूँ पैसे खर्च के देना पैंता पे बसा से हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पैसे खर्च के जाना पैदा जी अगे कितने जाते फ्री जाते सफर हाँ जी असं फ्री चाहिए जी सरकारी बस से चाहिए तो की चाहते हो सरकार की चाहते हो कहना यही चाहते हैं कि उन्होंने पक्के कर दें रोटी सारे तो बच्चों को रुजगार मिलना चाहिए रोटी मिलनी चाहिए है बस सवारी अच्छी हड़ी सवारी बहुत मुश्किल आ रही है क्योंकि पन बस से रोडवेज दसा के सीआरटीसी बसा में टाइम सिर बसा चलती सर और टाइम सिर सवारी चुकदियां हैं पर अज तीन दिन की स्ट्राइक कारण प्राइवेट बसा वाले मन मर्जी के रेट लै रहे हैं टिकटा के मन मर्जी ना चला जिस कारण सवारी गर्मी के मौसम बड़ी मुश्किल का सामना करना सवारी का तो कोई इन्ना सरोकार नहीं है जी स्ट्राइक की है वो सरकार की मुलाजमान की आपसी गलबात होनी जी स्ट्राइक है वो पंजाब सरकार और पंजाब सरकार के मुलाजमान दरमियान झगड़ा है पंजाब सरकार को चाहिए है मुलाजमान बैठ के सिटिंग करके नैगोशिएट कर ना के पर सवारी परेशान सामना करना जाना कितने तुम्हें मैं खासे बस मिल रही है ना ही बस काफ़ी देर तो तीन दिन स्ट्राइक कितों मिलनी प्राइवेट बसा च जावे जिते ओवरलोड बस चलेगी गर्मी का शिकार होवे तो लेडी सवारी भी है हाँ बिल्कुल मेरे नाल लेडी अगर बेनीफिट मिलता सरकारी फ्री सर्विस मिलती अज प्राइवेट बस वाले कितों कंपनसेट करेंगे जो प्राइवेट गवर्नमेंट बस ने दी फैसिलिटी लेडी सवारी को नहीं अवेल होगी इकनोमिकली भी लॉस होगा सर बहुत परेशानी आ रही है देखो कि आम पब्लिक साड़ी परेशान हो रही है जेकर असी लाइए अमृतसर की गल करिए कि अगर सरकारी 100 बसा चल रही है तो वो सिर्फ टवीं टवीं 5-10 बसा चल रही वै तो इन्नी परेशानी हो रही है उस तो बाद देखो कि असी साडा की कसूर है कि जेकर असी इतने आईए तो रश के भरमार मिले उस तो बाद जिवें लेडीज़ सवारी हैगी है जेकर पंजाब सरकार वालों इन्हों फैसिलिटी दी गई है लेडीज़ वास्ते तो लेडीज़ ने कितने जाना वा उन्होंने फिर पैसे पे करने पै रहे हैं कुछ माड़े घर के भी लोग है कि जिन्होंने पैसे नहीं पे कर रहे तो चलो सरकार की सुविधा लैके असी दूजे शहर से पहुँच सकी है पर वह भी इस वे सुविधा का आनंद नहीं लै पा रहे क्योंकि इन्हों की स्ट्राइक है दूजे चौथे महीने स्ट्राइक करके बह जाते हैं तो सरकार भी चाहिए है कि जी इन डिमांडा है वो प्रॉपर तरीके पूरी करन जो कच्चे मुलाजम है जो पक्का किया जाए जो भी उनकी दुविधा हैगी है वो पूरी की जाए जो आम पब्लिक साढ़े वर्गियों को परेशानी का सामना ना करना पवे रोडवेज पन बस पी आर टी सी कंट्रैक्ट यूनियन नंबर 7 अज जरा साडा धरना मुजहरा चल रहा यह अं एक महीना तकरीबन पहला नोटिस दिते सरकार नू मैनेजमेंट नू प्रशासन नू
पर सरकार ने जां प्रशासन ने मैनेजमेंट ने कोई जरूरी नहीं समझा कि यह हड़ताल जी लोगों नू बड़ा भारी मुश्किल का सामना करना पै रहा। कोई अभी मीटिंग सरकार के नाल तय नहीं करवाई गई, इसके रोस वजो अं जरा तीन दिन की डिमांड की करी है। डिमांड साड़ी जी पहले नंबर से साड़ी रेगुलर की मांग जी भाजी जड़िया मंगा साड़िया एक तो साड़ी रेगुलर की मांग आ कि जिन्हें पंजाब रोड जीआरटीसी के मुलाजम काम करते हैं उन्होंने जरा रेगुलर किया जाए। दूजे नंबर से जी आउटसोर्सिंग भर्ती आते पूर्ण पाबंदी जी बंद की जाए। तीजे नंबर से साड़ी मांग है जे ब्लैकलिस्ट किए कटे मुलाजम आ भावें वह पनवास या भावें पी आर टी सी दिया उन्होंने पहल के आधार पर बहाल किया जाए। ये जिहड़ी पंजाब की जनता नू सफर सहूलत जां होर कैटागरियां दे विच सहूलतां दित्तियां गईयां उन्नू सही तरीके नाल चलाउण वास्ते 10,000 बस डिमांड्स बहुत पुरानियां तुहाडियां हो गईयां, सरकार भी नवीं आ गई बन गई, तो क्या समझदे भी हुण नवीं सरकार तों कोई आस उम्मीद तुहानू हैगी? डिमांडां साडियां उही आ जी, सरकार जरूर बदली आ पर नीतियां जिहड़ियां उही ने, नीति सानूं कोई बदलाव नहीं लगा क्योंकि अहीं इस सरकार ते बड़ा पूर्ण विश्वास भरोसा कीता सी। ये खड़ के जिहड़ियां 92 सीटां इन्हां दी झोली विच पावण वाले साडे ये ट्रांसपोर्ट कामे आ, पर इन्हां दे भी अजे तक सरकार ने कोई सार नहीं लई, कोई इन्हां दे नाल कोई जरूरी मीटिंग वार्तालाप करनी है ना जरूरी। हुण किन्ने दिन दी हड़ताल तुहाडी? ये साडी 3 दिन दी स्ट्राइक आ जी। किहड़े किहड़े दिन दी स्ट्राइक? अज तो शुरू है जी। ये अज 14 15 ते 16 तरीक दी है। ये जरा 15 तरीक का साडा स्टेट लेवल का 27 डिपुआ का जरा धरना मुजहरा जरा जिते सीएम लुधियाने झंडा इधर आवे उत्थे अं जरा काला दिवस मनावे गुलामी दिवस मनावे। जो डिमांड्स नहीं पूरी होंगी फिर अगला एक्शन की है जी? जो डिमांड साड़िया पूरी नहीं होंगे तो आने वाले समय तो बाद अं जरा स्टेट बॉडी मीटिंग करके इदों भी तिखा जरा संघर्ष लेकिन जरा थोड़ी जी संघर्ष करके सवारी मुश्किल होंगी है जी? सवारी को अं माफी चाहते हैं क्योंकि एक महीना पहला नोटिस देने के बावजूद जे सरकार उदा कोई सार्थक हल नहीं कढ़ती फिर साडा दोष नहीं, फिर तो सरकार का दोष सीधा, क्योंकि जे कोई सरकार संजीदा होंगी साडे नाल वार्तालाप करती अं पूरी पंजाब की जनता को माफ़ी चाहते हैं कि यदि जी लोगों की जरा खज्जल खुआरी का खमियाजा भुगतना पाया ये सारी जी लैके सरकार की। मैं पनबस पी आर टी सी कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन अमृतसर बन तो डिपू प्रधान हीरा सिंह। हीरा सिंह जी प्रदर्शन किया जा रहा की मंगा है? प्रदर्शन जोड़ा वा जी थानू पता ही है कि 2007 तो असं करते आ रहे हैं, 15 साल हो गए सानू आउटसोर्स के कंट्रैक्ट इतने महकमे के काम करते हैं। कई बार सरकार बदलिया, सरकार तो दूजिया सरकार तो यह सरकार बनाने के सू आस ही कि आम पार्टी सरकार लिया रहे हैं, शायद साढ़े भी बदलाव आऊगा पर उस कोई भी बदलाव नहीं आया क्योंकि उ आउटसोर्स से भर्ती की जा रही है। किलोमीटर बसा जी महकमे के पाई जा रही वा इस रोज के वजों जोड़ा वासी कल अपने सीएम भगवंत मान जी ने सवाल कर जा रहे हैं, पूछन जा रहे हैं भी जेडे तुम खड़खड़कल जाके भगत सिंह के यादगार हाल से जाके सहु खाधी सी कि असी अपने देश में आजाद करावे तो जरा आप रंगला पंजाब बनावे। पनबस से पी आर टी सी के समुचे मुलाजम जोड़े आल ये गल पुछ जा रहे हैं भी सानू ठेकेदारी सिस्टम के पनबस से पी आर टी सी के मुलाजमान को कदों आजाद कराओगे सीएम साहब? असी भी अज 15-14 साल तो गुलाम चल रहे हैं, सानू आजादी कदों मिलेगी? ये सवाल करने वास्ते असी सीएम को जा रहे हैं। साड़ी हड़ताल जी 3 दिन की है जी, पक्का मोर्चा हो सकता जी जे प्रशासन सरकार वालों कोई धक्केशाही की गई तो हो सकता कि असी कोई हाईवे भी ब्लॉक करिए।